सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा है। यमन को बर्बाद करने के लिए एक बड़े फर्जीवाड़े का इल्जाम उन पर लगा है। सऊदी अरब के सबसे ताकतवर प्रिंस पर चौंका देने वाले खुलासे से अरब देशों में हड़कंप समझ गया है। सऊदी प्रिंस से जुड़े इस हैरत अंगेज आरोप के तार यमन से जुड़े हुए हैं। पूर्व सऊदी इंटेलिजेंस अधिकारी साद अल जबरी ने बड़ा दावा किया है, जिसने सऊदी में सियासी भूचाल ला दिया है। जबरी का आरोप है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता राजा सलमान का फर्जी सिग्नेचर कर यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जबरी ने बताया कि जब मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ 29 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता की खराब सेहत का फायदा उठाकर ये कदम उठाया था। सऊदी अरब से निर्वासित एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि हूतियों का सबक सिखाने के लिए सलमान ने ऐसा किया था। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर ऐसा कोई आरोप लगा है। बता दें कि साल 2015 में यमन और सऊदी अरब में जंग शुरू हुई थी। उस दौरान मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के रक्षा मंत्री थे। दावा है कि सलमान ने सऊदी की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने और शाही परिवार से खुद की दावेदारी बढ़ाने के लिए यमन से युद्ध शुरू करने का फैसला किया। जाबरी के मुताबिक यमन में सेना भेजने का आदेश जैसे ही आया, सबने इस पर बहुत हैरानी जताई। सऊदी अरब आमतौर पर सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होता है। बाद में सऊदी अरब के गृह मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि शाही फरमान पर किंग सलमान के सिग्नेचर थे। बताया जाता है कि जंग के ऐलान के वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की जनता से वादा किया था ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी इस लड़ाई के खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस युद्ध में अब तक 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय आपदा बन गई है। पूर्व सऊदी अधिकारी अल जाबरी कनाडा में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो बेटों को एक झूठे केस में सऊदी सरकार ने जेल में डाल रखा है। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर इंटरपोल से गिरफ्तारी नोटिस भी जारी करवा रखा है। मोहम्मद बिन सुल्तान सऊदी अरब बुलवाकर मरवाना चाहता है। सलमान जब तक मुझे मरा हुआ नहीं देख लेगा, उसे चैन नहीं आएगा। मैं एक असंतुष्ट व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं अपनी इच्छा से इस स्थिति में पहुँचा हूँ। मैं सऊदी अरब में एक उच्च स्तरीय अधिकारी था, जिसने खुद को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मुझे हजारों सऊदी और पश्चिमी देशों के निवासियों की जान बचाने के लिए जाना जाता है। अब मैं एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। बताया जाता है कि कनाडा ने उसे प्रत्यर्पित करने से इनकार किया है। हालांकि जाबरी ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। वहीं जाबरी के इन सनसनीखेज आरोपों पर सऊदी अरब सरकार ने भी कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कुछ सरकारी अधिकारियों ने जबरी को बदनाम पूर्व सरकारी अधिकारी बताया है, जिस पर कई केस दर्ज हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अल जाबरी के दावों पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। बहरहाल ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब प्रिंस सलमान की स्थिति सऊदी अरब में काफी मजबूत है, मगर उनके खिलाफ उठते सवाल और आरोप चिंता का कारण बने हुए हैं। ये मामला सऊदी अरब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है।